हेलो दोस्तों, आइए आज अपने मिस्त्री भाइयों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। और इस नए वीडियो में हम आपको नई जानकारी और सटीक जानकारी देंगे कि आपको शायद कम ही मालूम होगा, ऐसी जानकारी हम बताएंगे आपको। देखिए, अगर आपके पास आप मालिक हो या मिस्त्री हो, आपके पास ऐसा काम हो, मालिक हो, आपकी दीवारें ऐसे क्रैक कर रही हैं, जैसे ये क्रैक हो रही है, देखिए इधर देखिए इस तरफ को, ऐसे इधर ऐसे अगर क्रैक कर रही हैं, यहाँ से यहाँ तक ये क्रैक कर रही है, इधर भी क्रैक कर रही है, देखिए इस तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ से ऐसे क्रैक हो रहा है। इसलिए इस तरीके का अगर क्रैक आ रहा है तो आप इसको कैसे बंद करेंगे, प्लास्टर में नहीं दिखाई देगा इस तरीके से। देखिए इसको इस तरीके से आप प्लास्टर इतना खोल लेंगे और इसमें ये वाली जाली, मुर्गा जाली जो है इसमें लगाएंगे, इसका प्लास्टर इस तरीके से खोलेंगे, जैसे ये तोड़ रहे हैं प्लास्टर को, अच्छा प्लास्टर इसका हटा लेंगे पूरा, जितनी आपको जाली लगानी है जितना फूलता है उसे एक एक फुट ज़्यादा और एक एक फुट नीचे एक फुट ऊपर ज़्यादा आपको तोड़ लेना है प्लास्टर। अब उसमें जाली तोड़ लेंगे आप इस तरीके से, जैसे ये वाली है इसको ऐसे लगाएंगे प्लास्टर हटा के, इस तरीके से ऐसे इसमें जाली लगा लेंगे, ऐसे इस तरीके से ऐसे इसमें जाली लगाएंगे और उस पर फिर मसाला लगाएंगे, इस तरीके से हम आपको दिखाएंगे कैसे इसका काम किया जाता है। देखिए फिर इसको इस तरीके से तोड़वा लेंगे क्रैक के एक फुट ऊपर और एक फुट नीचे, देखिए इस तरफ दोनों तरफ इधर भी और उधर भी, जितना आपके पास क्रैक वाला हिस्सा हो, क्रैक किया हो उसमें एक फुट इधर और एक फुट उधर ऊपर नीचे इसको प्लास्टर तोड़वा लेंगे और तराई करा लेंगे, उसके बाद में इस पर जाली ठोकेंगे। तो आइए देखते हैं जाली कैसे ठोकते हैं। इस तरीके से आप जाली इसमें लगाएंगे, पहले ऊपर का हिस्सा लगा लेंगे, ये 5-5 mm की क्लिप है, ये वाली जो तार ठोकने के काम वहाँ आती हैं, जिसे तार और जो लगते हैं, ये प्लास्टर में भी आराम से लग जाती हैं और ईंटा में भी आराम से लग जाती हैं और ये RCC में भी आराम से लग जाती हैं, ये बहुत अच्छा काम करती हैं। क्लिप ये 5 mm हो या 6 mm हो आपके पास, जैसे भी हो, इससे आप ये जाली फंसा लेंगे पहले ऊपर की, फिर ऊपर की जब फंसा लेंगे तो इसके बाद में आप नीचे की इसको ऐसे खींच खींच के ऐसे फंसा लें और इसको नीचे खींच के ऐसे ठोके, ऐसे इसको ऐसे खींच लें, ऐसे इस तरीके से आप टाइट करके उनको लें, जितना टाइट हो सके उतना आप टाइट करके इसे ठोकेंगे, ऊपर का पहले फंसा लेंगे उसके बाद में आप नीचे का जब टाइट करेंगे इसे तो जाली आपकी हिलेगी नहीं, तरीके से आपको टाइट करके ठोक लेना है। ये 5 mm की क्लिप होती है, इसे आराम से आप ठोक लेंगे, ये जाली लग गई, जैसे ये क्रैक है हमारा, इस पर आप आधी नीचे आधी ऊपर करके ठोक लेंगे और ये बहुत अच्छा काम करती है ये। अब दोबारा इसमें क्रैक नहीं आएगा, पानी जाने की दिक्कत नहीं होगी, सीलन नहीं होगी, क्रैक नहीं आएगा, पेंट नहीं ख़राब होगा। तरीके से आप जाली को ठोक लेंगे, अब इसके ऊपर घोला फोड़ के सीमेंट का, उसके बाद में आप इसमें मसाला लगा लेंगे, आराम से इसका प्लास्टर रुक जाएगा। इस तरफ जैसे इधर कोने में हो, जैसे आपका कोना हो तो कोने पे आप आधी जाली ऐसे काट के इस तरफ लपेट के ऐसे करेंगे, जैसे आपका कोना ये है तो कोना भी आपका बंद हो जाएगा आपस में। अब ये कोना आपका बंध जाएगा, इस तरीके से आपको जाली लगा लेनी है और ऐसे जाली नहीं लगानी जो इस तरीके से हिले या उठे, आपको हर जगह पे ऐसे टाइट करके क्लिप लगा लेनी है जिससे प्लास्टर बाद में ऊपर फूले ना, जितने आप टाइट ठोकेंगे उतने आपको प्लास्टर करने में आसानी रहेगी, जितनी आप ढीली ठोक लेंगे उतने आपको प्लास्टर करने में दिक्कत होगी। देखिए आप बिल्कुल ये हिलेगी नहीं, इस तरीके से आपको जाली लगा लेनी है, आप जाली के ऊपर आप प्लास्टर लगा लेंगे बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा और ये चिपकेगा भी नहीं और ख़राब भी नहीं होगा। देखिए इस तरीके से आप जाली ठोक लेंगे, उसके ऊपर से गाढ़ा गाढ़ा घोला पोत लेंगे जिससे मसाले की पकड़ अच्छी हो जाए और फिर इस पर जैसे प्लास्टर करते हैं उसी तरीके से इस पर
मसाला छाप लेंगे। जैसे हमने छाप रहे हैं तो इस तरीके से पहले आपको जाली ठोकनी है, फिर उस पर एक गोला पोत लेना। जैसे क्रैक ये वाला था हमारा, तो आधी जाली ऊपर आधी जाली नीचे, ऊपर ठोक के इसे 5 mm क्लिप से, फिर इस पर उसी प्रकार से आपको प्लास्टर लगाना है जैसे सब दीवारों में लगाते हैं उसी तरीके से। देखिए जहाँ पर ये वाली दिक्कत आएगी आपको, वहाँ पे आप ऐसे छाप के नहीं लगा सकते, फिर आप इस तरीके से लगाएंगे आपका मसाला सही हो जाएगा। इस तरीके से इसमें जाली लगी होती तो अगर थोड़ा भी फूलेगा तो आप प्लास्टर बोर्ड नहीं पाएंगे, इसीलिए ये जाली टाइट ठोकी जाती है, टाइट बिल्कुल तरीके से आपको छाप देना पूरा प्लास्टर। इसी प्रकार से आपको पूरा प्लास्टर छाप लेना है, और जैसे आप वैसे नॉर्मल प्लास्टर करते हैं उसी प्रकार से आपको ये वाला प्लास्टर कर लेना है। अब इस पर दोबारा इस पर क्रैक नहीं आएगा, तो इस तरीके से आप प्लास्टर लगा लेंगे। और अगर आप पीछे का प्लास्टर है चिटक रहा तो आप उस पर घुटाई कर देंगे, जैसे हमने की है इसके पीछे, देखिए ये पीछे का हिस्सा है तो इस पर आप घुटाई कर लेंगे। प्लास्टर करने के बाद में सीमेंट का घोल चढ़ा लेंगे, और अगर आपका सामने का हिस्सा है तो आप उस पर घुटाई नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर जैसे इस तरफ पट्टी उट्टी होनी है, पट्टी वाल पट्टी जो होगी वो हो जाएगी, इस पर घुटाई पे उसकी पकड़ नहीं बनती, इसलिए आप जिधर सामना होगा उधर प्लास्टर पे घुटाई नहीं करेंगे और बैक साइड में आप घुटाई कर लेंगे। इस तरीके से जाली ठोंक के और इस तरीके से प्लास्टर करेंगे जैसे प्लास्टर होता है उसी तरीके से। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें।